आज मैं 8,000 फीट की बुलंदी पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो पहला वीडियो मैंने बनाने का जो मकसद था वो कुछ दो ही चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये वीडियो शूट करूँ। तो पहला जो रीज़न था, पहला जो कॉज था जिसने मुझे इंट्रिक किया कि मैं ये वीडियो शूट करूँ, वो था कि ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि हमारे जो भी ये सेमेस्टर है वो भी ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं कराची में भी नहीं बैठा, गिलगित में भी नहीं बैठा, तो मैं डायरेक्ट आ गया 8,000 फीट की बुलंदी पे, यानी अपने गांव यासीन में। तो यहाँ के अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लासेस ले रहा हूँ। तो आज 18 मई है और आज से ही हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। तो आज 9 बजे हमारी पहली क्लास होगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये सेमेस्टर आई डोंट नो कि कब तक ये कोरोना की वजह से हम अपने गांव में ही क्लासेस लेंगे। दैट्स समथिंग अननोन टू मी। तो आप लोग सीनरी भी देखते रहे और ये थोड़ी बातें मैं करूँगा वो भी सुनते रहे, ठीक है। तो ये पहला रीज़न था कि 8,000 फीट की बुलंदी पर क्लासेस लेना। इट वॉज़ रियली एन अनप्रडिक्टेबल थिंग, क्योंकि 3 मंथ्स पहले ही हमारा ये जो नेट था वो लॉन्च हुआ है। तो ये बेसिकली उससे पहले ही एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी कि यहाँ पे नेट होना, कोई नहीं सोच रहा था कि यहाँ पे नेट होगा, लोग यहाँ पे क्लासेस लेंगे एट्सेट्रा। तो अभी ये चीज़ मुमकिन हो गया, तो अनप्रिडिक्टेबल आ गया, मतलब अनप्रिडिक्टेबल जो हमारी थी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वो प्रूव हो गई। तो दूसरा जो रीज़न है वो मेरी अपनी लाइफ का है, मतलब मेरी जो लाइफ है, आई पर्सनली लिव दिस विद स्टोरीज़। ठीक है, मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ, तो लास्ट कोई 4 ईयर्स से मैं स्टोरीज़ लिखता आ रहा हूँ, बट लिखता ही आ रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लिखना नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, मतलब वो पढ़ते नहीं हैं। आई नो कि वो स्टोरीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है अगर कोई पढ़े तो, बट पढ़ता कोई नहीं है। मैं खुद भी नहीं पढ़ता लोगों की स्टोरीज जो फेसबुक पर आती है, अलबत्ता सुनते हैं लोग, दे लिसन मोर। सो देट्स वाई आई जस्ट शिफ्टेड टू दिस टॉकिंग थिंग। सो आई मे टॉक नाउ ऑनवर्ड्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है हमारी वो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को लिंक करती है। सबसे पहली जो अनसर्टेनिटी थी वो यहाँ के इंटरनेट की थी, जो कि अभी सर्टेन हो गई। उसके बाद लाइफ क्या है, एक अनसर्टेन चीज़ है। हम क्या करते हैं, लाइफ को सर्टेन बना के फंस जाते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि लाइफ सर्टेन है। हम नहीं कह सकते कि कब हम बड़े हो जाएंगे, कब हमें जॉब मिलेगी, हम क्या करेंगे, किससे हमारी शादी होगी, वी कान बी सर्टेन अबाउट दैट। तो जब हम सर्टेन होते हैं तो हम खुद ही फंस जाते हैं उधर। ये पहली रीज़न है। दूसरी जो मिसाल है वो है कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सपोज आप सबने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेलते खेलते हम अगर कोई बॉलर है सामने आ जाए, और तो वी कान से कि हम छक्का मारेंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम चौका मारेंगे। क्या पता वो बॉलर थोड़ा दुश्मन टाइप का हो हमारा और गुस्से वाला हो, डायरेक्ट सर पे फोड़ दे और हम हॉस्पिटल एडमिट हो जाए। मसलन प्रोबेबिलिटीज है हर चीज़ की, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है कहना लाइफ है, लाइफ ये नहीं कि यही होगा, लाइफ कुछ भी हो सकता है। अब मैं देखो, कौन कह रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने गांव में क्लासेस लूँगा। इट वाज रियली एन अनप्रिडिक्टेबल थिंग बैक इन 2018 एंड 2019, बट नाउ इट्स प्रूवन द प्रिडिक्टेबिलिटी हैज गॉन रॉन्ग, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल ब्रोकन। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये है लाइफ। लाइफ में लाजमी नहीं है कि हम हमेशा टॉप करें, तो अनप्रिडिक्टेबल होना ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं पाकिस्तान की टीम का सपोर्टर हूँ, क्रिकेट टीम का, अनप्रिडिक्टेबल है, एंड देट इज़ अ रियल वे ऑफ स्पेंडिंग अ फ्रूटफुल लाइफ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ना आप लोग सुनोगे ना मुझे मज़ा आएगा। सो मे बी वी विल कम विद नेक्स्ट वीडियो डिपेंडिंग अपॉन द मूड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।